बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हमारा क्लास 9 का नेक्स्ट लेक्चर है और आज बेटा हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.3 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें हमारे पास पी ऑफ एक्स की वैल्यू उसने दी हुई है एक्स क्यूब प्लस 2x² - 5x - 6, और जो डिवाइजर्स हैं उसमें तीन फैक्टर्स उसने हमें दिए हुए हैं x-2, x+3 एंड x-4। सबसे पहले हम इन तीनों फैक्टर्स को बारी बारी ज़ीरो के इक्वल लिखते हैं। x-2 = 0, x+3 = 0, x-4 = 0। सो -2 उधर जाके क्या हो जाएगा +2, +3 उधर जाके -3 और -4 उधर जाके +4। अब ये तीनों वैल्यूज बारी बारी इस पॉलिनोमियल में पुट आउट करते हैं। फर्स्ट पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x² - 5x - 6। तो सबसे पहले 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब प्लस 2 × 2² 5 × 2 - 6। पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 + 2 × 4 - 10 - 6। सो पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 + 8 - 10 - 6। सो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। सो इट मीन्स x-2 इज अ फैक्टर। एज r इक्वल्स टू 0, सो x-2 इज अ फैक्टर। सिमिलरली इसी तरह फिर सेकेंड फैक्टर को करेंगे, x³ + 2x² - 5x - 6। अब x की वैल्यू पुट आउट करेंगे बेटा -3। सो पी ऑफ -3 इज इक्वल्स टू -3³ + 2 × -3² 5 × -3 - 6। पी ऑफ -3 -27 + 9 + 15 - 6। सो पी ऑफ -3 -27 + 18 + 15 - 6। तो इसमें देख लें बेटा जी, ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -27 - 6 - 13 + 18 + 15 = 13। सो ये 0 आ गया। इट मीन्स x+3 इज अ फैक्टर, इज आल्सो अ फैक्टर। अब लास्ट थर्ड फैक्टर को चेकआउट करेंगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x³ - 2x² - 5x - 6। x = 4 पुट करेंगे, पी ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 4³ 2 × 4² 5 × 4 - 6। सो पी ऑफ 4 इज इक्वल टू 64, 4² = 16 - 20 - 6। सो पी ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 64 + 32 - 20 - 6। सो इसका आंसर देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 96, और 96 में से 26 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 70। सो आर इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो x-4 इज नॉट अ फैक्टर। ओके बेटा जी, जिससे रिमाइंडर 0 आ जाएगा डेट विल बी फैक्टर। इससे भी 0 आया, ये भी फैक्टर है, और लास्ट वाले से 0 नहीं आया लिहाजा ये फैक्टर है नहीं। ओके जी, इसी तरीके से बेटा जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर देखिएगा। इसके बाद जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के स्टेटमेंट के अंदर वो कहते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 4x³ p ऑफ x इज इक्वल टू 4x³
माइनस सेवन एक्स स्क्वेयर, माइनस सेवन एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स माइनस थ्री एम, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स प्लस टू। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स प्लस टू का मतलब ये है कि ये इसको कंप्लीट डिवाइड करता है, तो इट मीन्स के रिमाइंडर जीरो के इक्वल रखेंगे। x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो एंड x इक्वल्स टू माइनस टू, इसमें वैल्यूज पुट आउट कर दें। p ऑफ माइनस टू इज इक्वल्स टू फोर इंटू माइनस टू का क्यूब, सेवन इंटू माइनस टू का स्केयर, सिक्स इंटू माइनस टू माइनस थ्री एम। सो p ऑफ माइनस टू, माइनस टू का क्यूब माइनस एट, माइनस टू का स्केयर प्लस फोर। ये अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, माइनस का स्केयर हमेशा प्लस में आता है, माइनस ट्वेल्व माइनस थ्री एम। सो पी ऑफ माइनस टू, माइनस थर्टी टू, माइनस ट्वेंटी एट, माइनस ट्वेल्व माइनस थ्री एम, इन तीनों को प्लस कर दें तो ये हमारे पास आ जाता है जी माइनस सेवेंटी टू माइनस थ्री एम। किसी भी कॉन्स्टेंट की वैल्यूज निकालनी हो तो रिमाइंडर हमेशा हमारा किसके इक्वल होगा, जीरो के। तो इसमें रिमाइंडर क्या बचा था, माइनस सेवेंटी टू माइनस थ्री एम इक्वल्स टू जीरो, माइनस थ्री एम उधर जाके प्लस थ्री एम, थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो एम की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस ट्वेंटी फोर। ओके जी, अब इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर फाइव है उसके अंदर भी हम लोगों ने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पी ऑफ एक्स इसने हमें दिया हुआ है के एक्स क्यू प्लस फोर एक्स स्क्वायर, के एक्स क्यू प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर। दोनों को डिवाइड करना है x माइनस थ्री के साथ और q ऑफ x की वैल्यू है जी एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स प्लस के, और दोनों का डिवाइजर सेम है और वो है जी x माइनस थ्री। पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है के एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर। क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स प्लस के और डिवाइजर x माइनस थ्री। सो x माइनस थ्री को जीरो के इक्वल रखें, x की वैल्यू क्या आ गई, थ्री। अब पी ऑफ एक्स को लिख लें, पी ऑफ थ्री इज इक्वल टू के इंटू थ्री का क्यूब प्लस फोर इंटू थ्री का स्क्वेयर प्लस थ्री इंटू थ्री माइनस फोर। सो पी ऑफ थ्री इज इक्वल्स टू के इंटू ट्वेंटी सेवन, फोर इंटू नाइन प्लस नाइन माइनस फोर। पी ऑफ थ्री इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन के प्लस थर्टी सिक्स, इसको माइनस कर लें तो ये क्या आ जाएगा, फाइव। सो पी ऑफ थ्री आ गया ट्वेंटी सेवन के प्लस फोर्टी वन। इसी तरह अब ये वैल्यू क्यू ऑफ एक्स पर पुट आउट कर दें, q ऑफ थ्री इज इक्वल्स टू, चले यहाँ पे वैल्यूज लिख लें ताकि कन्फ्यूजन ना हो, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स प्लस के, डिवाइजर बेटा इसका भी x माइनस थ्री है। सो x की वैल्यू थ्री ही इसमें भी पुट आउट होगी, थ्री का क्यूब फोर इंटू थ्री प्लस के। सो q ऑफ थ्री इज इक्वल्स टू ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेल्व प्लस के। सो q ऑफ थ्री इज इक्वल्स टू 15 प्लस के। अब उसने कहा था कि ये दोनों इक्वल्स हैं तो इसका मतलब दोनों के रिमाइंडर्स इक्वल्स होंगे, आर वन इक्वल्स टू आर टू। आर वन रिमाइंडर क्या आया था, 27 के प्लस 41, और आर टू का रिमाइंडर 15 प्लस के। प्लस के इधर आके माइनस के और प्लस 41 उधर जाके माइनस 41, 26 के इक्वल्स टू माइनस 26। सो के इक्वल्स टू माइनस 26 ओवर 26, सो के इक्वल्स टू आ गया माइनस वन। ओके बेटा जी, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव जिसके अंदर उसने पी ओ एक्स और क्यू ओ एक्स को इक्वल करके के की वैल्यूज निकालने के लिए कहा था। तो ये बेटा जी हमारी आज एक्सरसाइज नंबर 5.3 जो है बेटा वो कंप्लीट होगी। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।